अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रही है चने की दाल, बिल्कुल ढाबे वाले स्टाइल में, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है। ये बहुत इजी रेसिपी है। ये चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने आधा किलो चने की दाल ली है, इसे मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगो दिया था, उसके बाद मैंने बॉयल कर दिया है और मैंने इसे हाफ कुक किया है, थोड़ा सा कच्चा छोड़ दिया है ना, थोड़ा सा कच्चा छोड़ दिया है कि जैसे ये टूट ना जाए इस वजह से। और मैंने एक प्याज लिया है, इसे मैंने बारीक काट लिया है, और एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और ये चार चम्मच इमली का पल्प लिया है मैंने, और ये मैंने धनिया लिया है और इसे मैंने काट लिया है, और चार टमाटर लिए हैं, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है छिलका उतार के। छिलका आपकी अपनी मर्जी है, रखें ना रखें, लेकिन हम उतार देते हैं टमाटर का छिलका। और मैंने चार हरी मिर्चें ली हैं, और मसाले में जाएगा एक चम्मच नमक और एक चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, ये एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का है, और आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और एक चम्मच ज़ीरा, और आधी आधी चम्मच धनिया पाउडर है, और ये क्रश धनिया है। बस मसाले में यही मसाले जाएंगे, लेकिन ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है ये ढाबे वाली दाल। और ये जो मैंने दाल बॉयल की थी, उसका जो मैंने थोड़ा सा पानी बचा के रख दिया था, जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे, थोड़ा सा दाल में मैं पानी शामिल करूँगी, तो वो पानी मैंने फेंका नहीं है। ज़्यादा जो टेस्ट होता है ना दाल का, वो बॉयल होते हुए उसी में चला जाता है, तो ये पानी मैं यूज़ करती हूँ थोड़ा सा। ये मैं एक कप जितना मैंने पानी निकाल दिया, बाकी मैंने सारा फेंक दिया। ये जो एक कप पानी का है मैं यूज़ कर लूँगी इसमें। एक कप ऑयल डाल दिया है और ये गरम हो चुका है। अब इसमें ये मैं प्याज शामिल करूँगी, प्याज अब ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी और बस इसे थोड़ा सा पकाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। मैंने ज़ीरा भी डाल दिया है इसमें, अब थोड़ा सा ज़ीरा चटक गया है, तो इसमें मैं अब टमाटर शामिल कर रही हूँ। अब इसमें ये मसाले शामिल करूँगी, ये मसाला बिल्कुल इसका रेडी हो चुका है, भुन चुका है, और मैंने इसमें हरी मिर्च तीन डाल दी थी और एक मैंने रख ली, वो मैं इसमें बाद में काट के डालूंगी। और बस अब इसमें मैं दाल शामिल करूंगी और अब इसे अच्छे तरीके से भुनेंगे, इसकी भुनाई करेंगे, और इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी दाल बनती है। जब तक हमारी दाल बन रही है, और आपको ये करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अब इससे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, और अब इसमें मैं ये इमली का पल्प शामिल करूँगी, ये तकरीबन 4 चम्मच। और वो जो दाल वाला पानी था, थोड़ा सा वो मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था, दाल अभी अच्छे तरीके से गली नहीं थी, तो वो मैंने पानी 1 कप शामिल कर लिया था, और उसके डालने के बाद मैंने तकरीबन ढक्कन लगा के मैंने इसे 15 मिनट पकाया है, और उसके बाद ये बिल्कुल गल चुकी है, और अब इसका ऑयल भी देखें बिल्कुल ऊपर आ चुका है। और उसके बाद फिर मैंने इमली डाली, और बस देखें कितनी मज़ेदार, कितनी टेस्टी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत मज़े की बनती है ये दाल। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1 अदद हरी मिर्ची डाली है काट के, और अब इसमें मैं ये थोड़े से धनिया डालूंगी, और
और आप इसका कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मज़े की बनती है ये दाल। और थोड़ी सी अदरक डाल दूंगी। मैंने धनिया डाला था, अदरक डाली थी, हरी मिर्ची डाली थी और मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, तकरीबन आधे चम्मच से भी कम था। मैंने गरम मसाला डाला और बस अब इसे मैं ढक्कन लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए पकाऊंगी और देखिएगा कितनी मज़े की और बिल्कुल ढाबे वाले स्टाइल में। ये देखें दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाह, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके कलर से और ये कितनी मज़े की बनती है। बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी दाल। बस अब मैं गैस को करती हूँ बंद और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ज़रूर कीजिएगा अगर कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आए। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।